रॉयल एनफील्ड, धधकती आवाज, रॉयल लुक, चमकते कलर्स, देखकर ऐसा लगता है कि यही तो है हमारे इंडियन बाइक्स की पहचान। और अब क्लासिक 350 मॉडल के तीन नए वेरिएंट लॉन्च होने जा रहे हैं। आज हम आपको रॉयल एनफील्ड के बनने के सफर के बारे में बताएंगे, कैसे बंद होने की कगार तक पहुंच चुकी ये कंपनी दोबारा उठकर खड़ी हुई और इंडियन बाइक्स का चेहरा बनकर उभरी। साथ ही हम आपको शख्स के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने इस कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए 2 साल का समय मांगा और आज कंपनी वहां खड़ी है कि इसकी बाइक्स खरीदने के लिए आपको महीनों की वेटिंग झेलनी पड़ती है। इस कहानी की शुरुआत साल 1932 से होती है, जब टाउनसेंड कंपनी ने साइकिल और मोटराइज्ड व्हीकल बनाने के बाद बुलेट लॉन्च की, लेकिन अगले ही साल इसके मालिक बॉब वॉकर स्मिथ का निधन हो गया। वक्त बीतता गया, रॉयल एनफील्ड और मजबूत होती गई। तभी साल 1952 में मद्रास मोटर्स को इंडियन आर्मी ने 350 सीसी वाली 500 बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया। 1956 में चेन्नई के तिरुवोट्टियूर में फैक्ट्री खुली और यहाँ एक साल में 163 बुलेट बनाई जाने लगी। सिलसिला यूं ही बढ़ता रहा और साल 1989 में बाइक के 3 नए वेरिएंट लॉन्च किए गए। साल 1994 में ट्रैक्टर निर्माता कंपनी द आयशर ग्रुप ने इनफील्ड इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया। कंपनी बढ़ती गई और साल 2002 में कंपनी ने स्टाइलिश लीन बर्न क्रूजर थंडरबर्ड लॉन्च कर दिया। फिर हर साल बाइक में कुछ न कुछ अपडेट होते रहे। साल 2012 में तिरुवोट्टियूर प्लांट ने 113,000 बुलेट प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया। 2013 में कॉन्टिनेंटल जीटी और 2016 में एडवेंचर बाइक हिमालयन लॉन्च हुई। 2017 में कंपनी ब्रिटेन पहुंच गई और वहां अपना टेक्नोलॉजी सेंटर खोला। इसी साल इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी का नया मॉडल और 2020 में मेट्योर 350 लॉन्च हुआ। अब साल 2021 में कंपनी जब अपनी 120वीं सालगिरह मना रही है तो क्लासिक 350 के ही 3 नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन कंपनी में सब कुछ हमेशा के लिए अच्छा नहीं था। लगातार हो रहे घाटे के चलते इसकी पेरेंट कंपनी आयशर इसे साल 2000 में बंद करना चाहती थी। तब कंपनी के चेयरमैन के 26 साल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने 2 साल का वक्त मांगा और कंपनी की मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्शन में कुछ अहम बदलाव किए। 2 साल में कंपनी ने यूथ को फोकस में रखकर बुलेट में मेजर चेंजेस किए। दो हजार 2004 में सिद्धार्थ ने आयशर मोटर्स के सीईओ का पद संभाला और कंपनी के 15 में से 13 कारोबार बंद करके पूरा फोकस रॉयल इनफील्ड और ट्रक पर लगाया। जयपुर में इनफील्ड का नया प्लांट भी बंद कर दिया गया। सिद्धार्थ के किए ये कुछ अहम बदलाव रंग लाए। कंपनी यूथ में काफी पॉपुलर होने लगी। साल 2000 में इनफील्ड की सालाना बिक्री 24,000 बाइक्स की थी, जो 19 साल में 10 लाख के पार चली गई। साल 2004 में कंपनी का सालाना रेवेन्यू 1378 करोड़ रुपए था, जो साल 2021 में 9071 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साल 2000 में कंपनी के शेयर 48.75 रुपए थे, जो 19 साल बाद करीब 46,000% की ग्रोथ के साथ 22,512 रुपए पर पहुंच गए। आज यूथ के बीच बुलेट को पॉपुलर बनाने के लिए सिद्धार्थ खुद हजारों किलोमीटर बुलेट चलाते हैं, यूथ को बाइकिंग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आज रॉयल सवारी का शौक रखने वालों से लेकर लेह लद्दाख में एडवेंचरस राइडिंग करने वालों की पहली पसंद बुलेट ही है। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।